अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं जो कुसुम्बा में डिस्ट्रिक्ट जो है सूरत है और मलिक गोट फार्म पर मेरे साथ जो है सैफ भाई है। अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई। वालेकुम अस्सलाम सुफियान भाई। सैफ भाई जो कि मेरी तरह है थोड़ा कैमरा शाय है, इस वजह से जो है कैमरे के सामने नहीं आ रहे, लेकिन चलिए मेरे साथ में है। सैफ भाई कितना टाइम हो गया बकरे पालते हुए? ये करीबन 5-6 साल हो गए। कितने बकरे होते हैं सैफ भाई हर बार? हर बार माशाल्लाह होते 30-35 होते हैं। कहाँ बिक जाते हैं? यही लोकल में बिक जाते हैं, आसपास में बिक जाते हैं। ओके, लास्ट ईयर कितने बकरे थे ये ईद पर? ये ईद पर अल्हम्दुलिल्लाह 20 बकरे थे, 20 से 20 बिक गए थे। 20 बिक गए थे। हालांकि सैफ भाई मार्केट तो जो है इस साल थोड़ा ख़राब था जी, हालांकि डाउन भी बाजार था। सही बात है। तो मलिक गोट फार्म जो है किस तरह से बेचता है, केजी पर बेचता है या क्या सिस्टम रहती है? नहीं, ऐसे ही नंग पे ही बेचते, अपने नंग पर ही बेचते हैं। नंग पे ही बेचते। ओके सैफ भाई, एक ये वीडियो के अंदर में कितने बकरे आएंगे? ये वीडियो में अपने पास एक बनूर है और 4 बकरे। 4 बकरे आएंगे और एक बनूर है। चलिए सबसे पहले जो है हम बनूर को दिखा रहे हैं। सैफ भाई बताइए इसके बारे में, ये होम ब्रीड है? ये अपने घर की ब्रीड है। ओके, अपने घर पैदा हुआ है और 5 महीने का है अभी फिलहाल। 5 महीने का। ओके, और आंडू है सैफ भाई? आंडू है, आंडू। खस्सी नहीं करवाया? नहीं, खस्सी नहीं करवाया। ओके सैफ भाई, हालांकि ये थोड़ा भी गंदा है। हाँ, ये बारिश की वजह से, बारिश की वजह से पाल नहीं कटवाए, नीलाया नहीं है, अदरवाइज व्हाइट में है पूरा। ये पूरा व्हाइट है, पूरा व्हाइट। कान वगैरह शायद पैच है ब्राउन जी, सिर्फ कान पे ही आएंगे ये पैच, कान पर ही है, बाकी पूरी बॉडी। 5 महीने का हुआ है जी। देखिए सैफ भाई, माशाल्लाह तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत माशाल्लाह। देखिए बनूर के अंदर में आपको वजन तो इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन चीज़ अच्छी है, पसंद आई। अभी सैफ भाई कुछ दिन पहले भी मेरे को रिक्वायरमेंट थी जी कस्टमर की, कि उनको बनूर चाहिए जी। लेकिन मैं कस्टमर को बताऊं सैफ भाई कि लोग बताते तो है, लेकिन वो चीज़ मैं भूल जाता हूं जी कि किसने पूछा था। सही बात। तो आपको ना हमेशा अपनी चैनल या इंस्टा पेज पर जाना पड़ेगा जी, वहाँ जाकर देखेंगे ना तो पता चलेगा कि कौन सी चीज़ बिक्री में अवेलेबल है। सही। ओके, कोसम्बा लोकेशन है। अब ये जो है पहले वाला सैफ भाई, क्या मांग रहे हैं हम इसका? ये मैं आस्किंग प्राइस 18,000 रुपये बोल रहा हूँ। 18,000 रुपये नेगोशिएबल करूँगा, नेगोशिएट करेंगे। ओके चलिए, आंडू में है, अगर आप इसको पंच करके खस्सी करके भी पाल सकते हैं, अच्छी चीज़ है, पसंद आई। और जो है हमारे खस्सी बकरे 4 वो दिखाएंगे। चलिए सैफ भाई, हमारे खस्सी बकरे हैं, वन बाय वन हम दिखाएंगे, टोटल 4 बकरे हैं। पहले वाला है सैफ भाई, बताइए इसके बारे में। ये सुफियान भाई 6 से 7 महीने का बच्चा है और अदत है, और खस्सी है माशाल्लाह, और खस्सी है, वाइट आइज है, वाइट आइज है। ओके, 7 महीने का बच्चा होगा। 7 महीने का सैफ भाई, कितना वजन होगा इसका? ये तकरीबन होगा मेरे हिसाब से 30-32 किलो आराम से। 30 केजी तो हो जाएगा आराम से, 30 से 32 किलो। अपने वजन नहीं किया है सुफियान भाई, लेकिन 30 से 32 केजी होगा आराम से। और सैफ भाई, अब चारों चार हम अलग भी देंगे, साथ में भी देंगे, क्या है सिस्टम? अलग अलग है सुफियान भाई, अलग अलग भी देंगे। अलग अलग। ओके, तो इसका हम कितना मांग रहे हैं? ये अपने आस्किंग प्राइस 15,000 रुपये। 15,000 रुपये आस्किंग है जी। ओके, ये पहले वाला है, आप स्क्रीनशॉट ले भेजिए। दूसरा वाला दिखाएंगे सैफ भाई, वाइट में है पूरा, पिंक में है। ओके, खुर वगैरह मार्बल है, सिंग नॉर्मल है। ये कितने महीने का बच्चा है? ये होगा, ये भी 6-7 महीने का, 6-7 महीने का बच्चा है। ये भी प्योर खस्सी है? प्योर खस्सी है। ओके सैफ भाई, ये खस्सी आए थे या करवाए थे? ये मैंने करवाए थे। तो प्योर जैसे करवाते वैसे या पंच किया है? पंच किए। लेकिन टेस्टिकल काफ़ी छोटे हो गए, बहुत अच्छा पंच हुआ है माशाल्लाह। कौन करता है यहाँ पे पंच? ये यहाँ एक डॉक्टर है बिलाल करके, वही करते हैं कोसम्बा में। कोसम्बा। ओके चलिए, अच्छा हाथ है। ये क्या डिटेल पर होगा? ये होगा 28 से 30 केजी और 6 महीने का है। ये 6 महीने का है, पूरा पिंक में है। ये भी खस्सी है, बहुत अच्छी चीज़ है। क्या मांग रहे हैं हम इसका? ये इसका प्राइस है 13,500। 13,500। देखिए मैं इतना बोलूँगा सैफ भाई की प्राइस ना बहुत ही नॉर्मल प्राइस है, बेसिक रीजनेबल, कोई भी बंदा ले सकता है आराम से, अपना शौक कर सकता है। चलिए माशाल्लाह, ये दूसरे वाला हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले भेजिए। मैं तो बोलूँगा अगर कोई ले रहा है जिसको भी खस्सी बकरे पालना है इस साल के लिए, ये दोनों बकरे ले सकता है, दोनों बकरे अच्छी चीज़ है। चलिए हम तीसरा और चौथा लाएंगे। चलिए सैफ भाई, 2 और है, इसमें एक वाइट है, सोजत में है, बताइए इसके बारे में। ये सुफियान भाई, ये 5 महीने का होगा। ये 5 महीने का होगा और इसका वजन होगा 25 से 28 केजी का।
पाँच महीने का है, ब्लैक स्किन में है, सिंग ब्लैक है, खुर ब्लैक है, तीन चीज़ अच्छी है, ये भी खसी है। शिव भाई इसको कितना टाइम हो गया ये बच्चे को अपने यहाँ? ये अपने वहाँ हो गए होंगे इसको दो महीने। वैक्सीन वगैरह सब हो गया? सब हो गया है। ओके, कितना मांग रहे हैं इसका? ये अपने मांग रहे हैं 13,000। 13,000 रुपये, ओके। शिव भाई एक और वाला है अबलक में, ये शायद कहीं ना कहीं हैदराबाद प्रोजेक्ट क्रॉस बच्चा लग रहा है, है ना? सही बात। ओके, वाइट आइज है, वाइट आइज में, बताइए इसके बारे में कितना वजन होगा? कितना वजन होगा इसका? इसका 25 से 26 केजी। 25 से 26 केजी और वाइट आइज में है, खूबसूरत चीज़ है। कितना मांग रहे हैं हम इसका? इसका 12,500। 12,500। ओके आशीष भाई, जो भी प्राइस बताए हम उनमें नेगोशिएट होगा, मान सम्मान तो रखा जाएगा। मान सम्मान थोड़ा बहुत रखा जाएगा। ओके, सुनिए मैं दूसरी बात जो है शिव भाई पूछना चाहूँगा कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट का क्या सीन रहेगा? कर देंगे इंशाल्लाह, जहाँ भी चाहिए इनको हो जाएगा। जहाँ भी ट्रांसपोर्ट चाहिए ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। ओके, ट्रांसपोर्ट का चार्जेस वगैरह जो है कस्टमर का रहेगा, बात कर लेंगे। चलिए माशाल्लाह अच्छी चीज़ है। अगर किसी को यही साल में रेडी करना है तो आप लेके भेज सकते हो, या तो आप अर्मिन पे भी भेज सकते हो, या तो फिर जो है आप कहीं से भी हो आप मंगा सकते हो। रेडी है, सिर्फ अभी को खिलाना पिलाना है, ऑलरेडी कुछ करना नहीं है, वैक्सीन हो चुके हैं, यहाँ के वेदर में सेट है। चलिए आसिफ भाई, ये हमने पांचों दिखा दिए। एक और हमारी वीडियो है कि जिसके अंदर में जो है फीमेल बकरियाँ आएंगी, और जैसे कि सिर्फ भाई हर साल की तरह आप जो है चाहते हैं कि और हमारे बकरे सोचे के और भी आने वाले, तो उसकी भी जो है अपडेट आती रहेगी इंशाल्लाह। चलिए आप जो है कॉन्टेक्ट कीजिए, नंबर जो है स्क्रीन पर है। अस्सलाम वालेकुम।